ये देखिएगा विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनिलाल गुप्त। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 213 पृष्ठ पर आते हैं। अब यहां देखिए तृतीय अंश अध्याय नंबर 16, अध्याय नंबर 16 चल रहा है, 15 में अध्याय 15 का यह एंड है। ये 16वां यहां शुरू होता है, ये 15वें के लास्ट में 213 पृष्ठ पे क्या बताया है। यहां बताया कि राजन 213 पृष्ठ पे राजन श्राद करने वाले पुरुष से विश्व के देवगण, पितरगण, मातामह और कुटुंबीजन सभी संतुष्ट होते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए सरहद में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि सरहद भोजी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे। अब ये परमात्मा का विधान है कि एक योगी, योगी माने जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर, उस परमात्म के ऊपर सचित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तू योगी बनेगा। तो पुण्यात्माओं, आप वो योगी हो, आप वो योगी हो। सभी भक्त सत्साधक करने वाले योगी कहलाते हैं, साधक धार्मिक अनुष्ठान सत्साधना करने वाले। और आप क्या बताया है कि 1000 ब्राह्मण जी मेरे हों, उनके साथ उनके सामने एक योगी को भोजन करा दे, यानी इस तत्वदर्शी संत से प्राप्त भक्त को, तो जो कहे उसके पितरों का भी उद्धार, हरुण ब्राह्मणा का भी उद्धार,